नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। फिक्की ऑडिटोरियम में आग, प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय जलकर खाक। उद्योग एवं वाणिज्य संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ऑडिटोरियम में कल देर रात लगी आग में राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय जलकर खाक हो गया तथा अग्निशमन विभाग के 2 कर्मचारी घायल हो गए। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि ये आग इमारत की ऊपरी मंजिल में लगी और जल्द ही अन्य मंजिलों में फैल गई। उन्होंने बताया कि घटना स्थल पर अग्निशमन विभाग के 40 वाहनों ने मिलकर 4 घंटे चले संघर्ष के बाद आग पर काबू किया। डीसीपी ने बताया कि इस दुर्घटना में किसी की जान नहीं गई। अग्निशमन विभाग के 2 घायलों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि आग लगने के कारण का अभी पता नहीं चल सका है। अमिताभ पर कसा आयकर विभाग ने शिकंजा। आयकर विभाग ने पनामा पेपर्स मामले में अमिताभ बच्चन पर शिकंजा कसते हुए उन्हें सवालों की नई फहरिस्त भेजी है। बच्चन ने विदेश में वो कंपनियां खोलने के आरोप से इनकार किया है जिनका उल्लेख पनामा पेपर्स में था। सूत्रों ने कहा कि उन वित्तीय लेनदेन के ब्यौरे की मांग करते हुए बच्चन को प्रश्नावली भेजी गई है जिनका जिक्र खोजी पत्रकारों की संस्था ICIJ की ओर से दी गई खबरों में किया गया था। प्रश्नावली विभाग के पास पड़ी कुछ पुरानी सूचना के आधार पर भी भेजी गई है। बच्चन ने हाल ही में आयकर विभाग को भेजे जवाब में उन 4 कंपनियों से किसी तरह का संबंध होने अथवा उनमें हिस्सेदारी होने से इनकार किया था जिनके बारे में पनामा की विधि सेवा प्रदाता कंपनी मॉसिक फोंसिका के लीक दस्तावेजों में दावा किया गया है। सुषमा स्वराज एम्स में भर्ती। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को सीने में तेज जकड़न की शिकायत के बाद एम्स में भर्ती कराया गया। एम्स के सूत्रों के मुताबिक उन्हें शाम करीब 5 बजे पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के निजी वार्ड में भर्ती कराया गया। रात करीब 10 बजे उन्हें कार्डियो न्यूरो सेंटर ले जाया गया। सुषमा स्वराज की जाँच कर ली गयी है। जाँच की रिपोर्ट बुधवार तक आएगी। चिकित्सकों ने बताया कि उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। उन्हें आज यहाँ हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन को संबोधित करना है।